गल न्यूजीलैंड की करन जा रहे हैं। बहुत सारे सवाल साढ़े को उदों तो आने शुरू हुए जो असी न्यूजीलैंड के उपर वीडियोज़ बनाई ने। सो स्टूडेंट्स काफ़ी अवेयर होंदा भी नज़र आ रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा बारे अवेयर ने, पर वीडियोज़ साड़ियाँ वेखन तो बाद भी कई सवाल आए ने। सो अज कोशिश करांगे उन्हां सवालों के जवाब तुहाडे नाल सांझे करिए, क्योंकि न्यूजीलैंड किन्नी कु चंगी ऑप्शन है अज के टाइम विच स्टूडेंट है जानना चाहता है, बाकी कंट्रीज दे नाल कंपैरिजन दे विच समझना चाहता है, लोकेशन वाइज समझना चाहता है, किस तरह के उन्होंने ऑप्शन मिल रही ने। अगर आप कोर्सिज की गल कर लीए, फ्यूचर के आस्पैक्ट्स ने अगों न्यूजीलैंड के। सो ये तमाम सवाल एक स्टूडेंट को रेंद्ते हैं जो किसी कंट्री बारे सोचता है तो अपने फ्यूचर में उन्होंने रिलेट करना चाहता है। सो आज बहुत कुछ खास तुम न्यूजीलैंड बारे जानने को मिलेगा। स्वागत है जी सारे का, मैं हाँ हरजोत कौर, और न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा को लेकर खास पॉइंट्स थोड़े न साझे कर जा रहे हैं नैविगेटर्स ओवरसीज तो वीज़ा एक्सपर्ट मिसिज वीना गोयल मैम साढ़े नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है मैम, सत श्रीकाल। सत श्रीकाल। सो मैम का तकरीबन 26-27 साल का एक्सपीरियंस है। सो कई कंट्रीज़ विच मैम जो है डील करते हैं। सो स्टूडेंट सिर्फ कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस या न्यूजीलैंड ही नहीं, ढेर सारी ऑप्शनस मैम को अवेलेबल ने। तुसी अपने कभी भी अगर डॉक्यूमेंट्स लैके आओ, असैसमेंट करवाओ, तो वीक तो वीक प्रोफाइल भी चंगी ऑप्शन और बेस्ट प्रोफाइल भी बहुत अच्छी ऑप्शन, हर तरह की प्रोफाइल ही मैम की टीम और मैम जो है परसनली रिसर्च वर्क करते रहते हैं चंगी ऑप्शन लभन लिए। अज उस कड़ी के न्यूजीलैंड की जेकर आप गल करते हैं मैम, जो स्टूडेंट का सवाल होंगे कि बाकी कंट्रीज कंपैरिजन करके अगर आप न्यूजीलैंड वेखिए किहड़े फैक्टर्स ने जिन्हों कहोगे ये सारे फैक्टर्स स्टूडेंट फ्रेंडली ने? देखो यही चीज़ जो आप कहने कि न्यूजीलैंड एक तो आस्ट्रेलिया के बिल्कुल नेड़े है जी। हुण आस्ट्रेलिया जे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि एक साल तो ज़्यादा गैप वाले नू नहीं लवांगे, न्यूजीलैंड दे विच तुसी गैप जस्टिफिकेशन दे सकते हो, 2-3 साल दे गैप भी मतलब जा सकते हैं बच्चे। अच्छा, न्यूजीलैंड दे विच ए नहीं कि 6 EG चाहिए आइल्स, 6 बैंड ओवरऑल, नॉट लैस दैन 5.5 च भी अप्लाई कर सकते हो तुसी, ठीक है। 5.5 भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा जा चॉइस घट हो जाती है कोर्सेज की, तो असी थोड़ा जा 6 बैंड की तरफ जो 5.5 है तो उसी उदे विच भी अप्लाई कर सकते हो। न्यूजीलैंड दे विच जेड़ा पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नैचुरल आस्ट्रेलिया च भी काफ़ी है, बट इधर भी जेड़ा तुहाडा कोर्स के हिसाब नाल मास्टर्स दे विच जे 1.5-1.5 साल दी भी मास्टर्स मिल रही हैं उदे विच भी 3 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल रहा है, बैचुलर दे विच 3 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल रहा है। सब तो वड्डी जेड़ा इंटरस्टिंग पॉइंट है ये फीस वीज़ा अप्रूवल दे बाद खाली एक अंबैसी फीस आनी है, तुहाडा जब डेट लैंदे आ ते तुहाडी एक PCC और मैडिकल जांदा, दैट्स ऑल। तो दैट मीनस तुसी एक अंबैसी फीस पे कर दो और तुसी अपनी फाइल लगा सकते हो। ड्रॉबैक की है कि तुहाडे जिहड़े फंडस है वो कोई 6 मंथ ओल्ड चाहिए है फंडस। उन 6 मंथ ओल्ड दे विच तुहाडे पेरेंट्स जिहड़े है ब्रदर सिस्टर या ग्रैंड पेरेंट्स शो कर सकते हैं, बैंक लोन पूरा कर सकते हो तुसी, लेकिन इनकम अच्छी होनी चाहिए है। लेकिन जब फीस ही वीज़े दे बाद दे रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि कोई स्ट्रगल है। इस टाइम वीज़ा भी ही जल्दी आ रहा न्यूजीलैंड का। कोर्सेज ऑल इंजीनियरिंग कोर्सेज इन लॉन्ग टर्म स्किल शॉर्टेज उन्होंने जोड़ा होंगे कि जॉब अपॉर्चुनिटी सैटलमेंट। न्यूजीलैंड एक योजा कंट्री है जिन्हों सैटलमेंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी कंट्रिया से रिज रिजैक्शन आती तो लिखते हैं यू विल नॉट कम बैक, तो न्यूजीलैंड तो SOP बिल्कुल खुल्लम खुला कहो कि मैं जॉब मिल गई तो मैं न्यूजीलैंड रहना, मैं उत्थे सैटल होना चाहना, बी ओनैसट, तो वेलकम करते हैं। तो इस तो वधिया तुहानू कोई कंट्री मिल सकती है। दूजा, न्यूजीलैंड क्लाइमेट वाइज बहुत सोहना कंट्री है, ग्रीनरी बहुत है। मैं जब भी गई मतलब आलमोस्ट सारी कंट्रियाँ घूमती हाँ, हूँ भी मैं जर्मनी जा रही हूँ 10 दिन वास्ते, तो जब असी जाने तो इन्ना सोहना कंट्री है, एक ड्रीमलैंड कंट्री है तुहाडा। तो ये नहीं पेरेंट्स नूं कि असी इहोजी कोई कंट्री च भेजता जिथे इंडियन नहीं है, जिथे मौसम एक्सट्रीम होएगा, ना एक्सट्रीम ठंड है ना एक्सट्रीम गर्मी है, तो सारे ही जिहड़े आ प्लस जिन्हों कहना चाहिए सपोर्टिव फैक्टर्स है स्टूडेंट्स नाल। और लेकिन स्टूडेंट की करना चाहता है, कैंडीडेट की करना चाहता है, ये उहदी चॉइस है।
जी जी बिल्कुल। सो स्टूडेंट नू इसे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि तुसी एक चंगे कंसल्टेंट की सलाह टाइमली जरूर लो, क्योंकि तुहाडा की कंसर्न है एक चंगा कंसल्टेंट ही समझ सकता है कि तुसी फ्यूचर दे विच केड़े पड़ा ते अपने आप नू देखना चाहते हो, उस अकॉर्डिंगली कोर्स की सही सिलेक्शन करनी ताकि तुहानू अगों जाके जॉब विच भी कोई औखी जो है कड़ी ना देखनी पवे। सो उस एक चंगे कंसल्टेंट को बैठ के सारी चीज़ां डिस्कस करो और उस अकॉर्डिंगली ही अपना फ्यूचर प्लान तुसी बनाओ। तो मैम दे नाल तुसी मिलना चाहते हो तो जरूर इस नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लैके भी आ सकते हो। विजिट करोगे तो अपने डॉक्यूमेंट जरूर लैके आना। नैविगेटर्स ओवरसीज का नंबर लगातार डिस्प्ले है, इसमें चाहे तुसी नोट करके भी रख लो। जिमें कि मैं शुरुआत में भी गल की है कि सिर्फ एक कंट्री नहीं, जिथे भी स्टूडेंट का मन है मैम के कोल ढेर सारिया ऑप्शन ने, बस थोड़ी एक देरी सिर्फ यह है कि तुसी कॉल करनी है या फिर विजिट करना है इन्हों के ऑफिस से। सही ऑप्शन चंगी ऑप्शन के नाल अगे वे हुए तुसी अपना स्टडी वीज़ा हासिल कर सकते हो। बहुत बहुत थैंक्स मैम, अच्छ तुसी न्यूजीलैंड बारे ढेर सारी जानकारी और पॉजिटिव फैक्टर्स स्टूडेंट्स नू जो है दसे ने, ताकि स्टूडेंट अपना मन जो है बना सकन जेकर न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा भी हासिल करना चाहते हैं। सो अगों भी असी होर इनफॉर्मेटिव वीडियोज़ लैके आते रहेंगे। अच्छे सानू दिओ जी इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।